फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पहले होता था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। 200,000 लाइन का अगर कोड है तो उसको अलग अलग प्रोसीजर्स में डिवाइड किया जाता था। तो जैसे ही अगर हमारा कोड बढ़ेगा तो प्रोसीजर्स का कोड भी बढ़ जाता था, और अगर ये प्रोसीजर्स किसी कॉमन वेरिएबल्स को शेयर करते हैं तो हमें इस वेरिएबल को ग्लोबली लिखना पड़ता था, मतलब सारे ही प्रोसीजर्स के बाहर लिखना है। अब अगर कोई भी प्रोसीजर्स के बाहर हम किसी वेरिएबल को लिखेंगे तो ये वेरिएबल सिक्योर नहीं रहेगा, क्योंकि उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये देखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो डेवलपमेंट का अप्रोच है उसे हम किस तरह से यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला फीचर है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हैज अ स्टेट दैट एग्जिबिट्स सम वेल डिफाइंड बिहेवियर एंड यूनिक आइडेंटिटी। यानी क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस या LOC लाइन ऑफ कोड के बदले हमारा फोकस होगा डेटा पे। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि इसका लॉजिकल फ्लो क्या होगा, मतलब सीक्वेंस ऑफ कोड क्या लिखेंगे। हमें क्या देखना है कि इसमें एंटिटीज कौन से होंगे, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, एग्जाम रिजल्ट, ऐसा। अब अगर हम टीचर एंटिटी को देखेंगे तो हमें टीचर एंटिटी का जो डेटा है उसके बारे में सोचना होगा। तो टीचर एंटिटी के लिए क्या चाहिए? हमें नेम चाहिए टीचर का, फिर टीचर का क्वालिफिकेशन होगा, ये टीचर कौन सा सब्जेक्ट सिखाता है तो सब्जेक्ट होगा, इस तरह से। ये जो है नेम, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट, इसे हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स, जो हर टीचर यानी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिटी या यूनिकनेस देगा। जैसे कि मैथ्स टीचर के लिए नेम होगा सीमा, क्वालिफिकेशन होगा BE और सब्जेक्ट होगा मैथ्स। और अगर हम इंग्लिश टीचर के बारे में बात करेंगे तो नेम होगा राम, क्वालिफिकेशन होगा MED और सब्जेक्ट होगा इंग्लिश। यहाँ ये जो एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज़ है, जैसे कि सीमा, BE, मैथ्स या फिर राम, MED, इंग्लिश, ये टीचर ऑब्जेक्ट का स्टेट डिफाइन करेगा। ये टीचर ऑब्जेक्ट को बिहेवियर यानी फंक्शंस भी होंगे, जैसे कि सारे ही टीचर टीच करेंगे तो टीच क्या होगा? टीच होगा उसका बिहेवियर यानी फंक्शन। अब देखते हैं सेकेंड फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो है क्लास। तो क्लास क्या है? क्लास इन सारे ऑब्जेक्ट्स का जो स्पेसिफिकेशन है या कॉमन स्ट्रक्चर ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा वो है क्लास। जैसे कि कॉलेज में बहुत से टीचर्स हैं लेकिन उनके फीचर्स या ट्रेट सेम है, जैसे नेम, सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशन या फिर उसका टीच वाला बिहेवियर माने फंक्शन, ये कॉलेज के हर टीचर को होगा। मतलब टीचर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे उन सबको होगा। ये कॉमन बिहेवियर का जब हम ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसको कुछ वैल्यू नहीं है, उनका सिर्फ स्पेसिफिकेशन है। तो ये एक टेम्पलेट होगा जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कहेंगे, या फिर हम कहेंगे कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे कि इंट होता है वो बिल्ट इन डेटा टाइप है, तो इंट एक्स लिखेंगे तो क्या होगा? एक्स इज अ वेरिएबल। हम इंट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते, हम एक्स को एक्सेस करते हैं, हम एक्स को वैल्यू देते हैं। उसी तरह से क्लास से हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन होंगे। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस ऑफ अ क्लास भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थर्ड फीचर है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन यानी ऐसा प्रोसेस जो सिर्फ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से डेटा का ग्रुप क्रिएट करेगा। जैसे कि अगर हमने प्रोडक्ट रिलेटेड डेटा का ग्रुप क्रिएट करना है तो हमें लिखना होगा कोड, नेम, कॉस्ट, क्वांटिटी, साइज, कलर, टाइप, डिस्क्रिप्शन, इस तरह से। अब अगर हम ये प्रोडक्ट किसी टॉय शॉप के इन्वेंट्री के लिए लिखेंगे तो एप्रोप्रिएट है, लेकिन इसी ग्रुप को अगर हम ग्रॉसरी शॉप के लिए लिखेंगे तो उसके लिए हमें साइज या कलर की जरूरत नहीं है। कोई भी ग्रेन्स के लिए
हम उसका कलर या साइज नहीं लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन से उसका पता चल जाएगा। तो ये ग्रोसरी शॉप के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। यहाँ हम जो रिलेटेड डेटा है सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे। एब्स्ट्रैक्शन में ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जाएंगे लेकिन सिर्फ उसके एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। जैसे कि जब तक हम फर्नीचर बोल रहे हैं हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि वो क्या होता है, लेकिन उसका स्पेसिफिक बिहेवियर चेयर टेबल ऐसा कुछ कहेंगे तो ही पता चलेगा। इसलिए फर्नीचर क्लास में हम क्रिएट फंक्शन लिखेंगे जो फर्नीचर क्रिएट होगा इसके बारे में बोलेगा, लेकिन उसको स्पेसिफिक बिहेवियर नहीं होने के वजह से उसका एग्जीक्यूशन कोड यहाँ पे नहीं लिख सकते। जावा में एब्स्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट फीचर है इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे हम कैप्सूल बोल रहे हैं, तो कैप्सूल में कैसे होता है कि अपना डेटा सिक्योर हो जाता है। क्यों सिक्योर करना है डेटा को? क्योंकि बाहर से उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं होना। तो हमारे प्रोग्रामिंग में भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में भी, हमने डेटा को सिक्योर करने के लिए इनकैप्सुलेशन दिया हुआ है। जैसे कि अगर हमारा वेरिएबल है मार्क्स, जिसका वैल्यू के लिए रूल है कि ये मार्क्स जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या लेस देन इक्वल टू 100 ही होने चाहिए, लेकिन वेरिएबल को तो कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अगर इस डेटा को, मतलब ये मार्क्स को अगर हमें सिक्योर करना है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसे फंक्शंस के थ्रू ही कर सकते हैं। तो किस तरह से? तो ये मार्क्स को हम प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे। इस मार्क्स के लिए हम फंक्शन लिखेंगे सेट मार्क्स। तो ये जो फंक्शन है इसे हम पब्लिक लिख लेंगे और इसमें हम इफ कंडीशन यूज करके सिर्फ ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 100 का ही डेटा सेव कर सकते हैं। इस तरह से ये डेटा सिक्योर होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नेक्स्ट फीचर है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक क्लास दूसरे क्लास के ट्रेट्स को इनहेरिट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने प्रोडक्ट क्लास के लिए एट्रीब्यूट्स लिखे जो होंगे आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन और कॉस्ट, और ये एट्रीब्यूट्स अगर हमने बुक क्लास लिखा है या सीडी के लिए क्लास लिखा है कॉम्पैक्ट डिस्क, तो उसके लिए भी अप्लाई होंगे, लेकिन बुक और सीडी ये दोनों के लिए उनके एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी होंगे। जैसे कि बुक के लिए ऑथर होगा या सीडी के लिए उसका साइज होगा, इस तरह से। तो इस प्रोडक्ट क्लास के ट्रेट्स जो है वो दोनों के लिए कॉमन होने के वजह से सीडी और बुक ये दोनों ही इसके ट्रेट्स को इनहेरिट करेगा, मतलब इसके वेरिएबल्स को इनहेरिट करके रीयूज करेगा। और इसके अलावा उनके जो एडिशनल वेरिएबल्स है उनको ऐड करेगा या उनको स्पेसिफाई करेगा। अब नेक्स्ट फीचर देखेंगे जो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एबिलिटी टू हैव मोर देन वन फॉर्म। पॉली मीन्स मेनी और मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स। तो ओओपी का ये जो फीचर है ये दो इसमें हम डिवाइड करेंगे, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह से बिहेव करता है। जैसे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट है रेक्ट वन, जो रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो जब हम लिखेंगे रेक्ट वन डॉट ड्रॉ ब्रैकेट में 5,2, तो ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा जिसका लेंथ होगा 5 और ब्रेथ होगा 2। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट के साथ हमने लिखा रेक्ट वन डॉट ड्रॉ ब्रैकेट में 5, मतलब एक ही पैरामीटर लिखा, तो ये स्क्वायर ड्रॉ करेगा, क्योंकि स्क्वायर को लेंथ और ब्रेड दोनों सेम है। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड दोनों का वैल्यू होगा 5। सेकेंड मेथड जो पॉलीमॉर्फिज्म का है वो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे बेस क्लास रेफरेंस बहुत से ऑब्जेक्ट्स को स्टोर रख सकता है, मतलब उसके चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट को स्टोर रख सकता है। जैसे कि अगर हमने लिखा प्रोडक्ट P इज इक्वल टू न्यू बुक,
और उसके बाद हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू न्यू सी डी।